हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एडल्ट प्रोटेक्टिव गियर का, जो अभी मैंने पहन के रखा है। आप देख सकते हैं मैंने पहना है नी गार्ड पहना है, एल्बो गार्ड पहना है और रिस्ट गार्ड पहना है। ये प्रोटेक्टिव गियर है फॉर बाइक राइडिंग, फॉर साइकिलिंग, फॉर स्केटिंग, मतलब सभी चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्शन देता है। और ये बच्चों का नहीं है, ये एडल्ट का है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि राइडिंग के टाइम पे आपको हेलमेट पहनना चाहिए और फुल हेलमेट, खासकर फुल हेलमेट आपको पहनना चाहिए, तो आपको हेड में पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। और हाथ के लिए राइडिंग ग्लोव्स ऐसा मिलता है, ये है प्रो बाइकर का, ये भी आप पहन सकते हैं। लेकिन आपके नी और एल्बो के लिए क्या, वो आप सोचते नहीं हैं। मतलब 99% लोग नहीं सोचते हैं। जब लोग ऑफिस जाते हैं तब हेलमेट पहनते हैं और चले जाते हैं, और कोई कोई लोग ये हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, लेकिन उनका नी और एल्बो का क्या? क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तब खासकर नी और एल्बो पे ज़्यादा चोट लगता है। तो इसके लिए आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का नी एंड एल्बो गार्ड फॉर बाइक राइडिंग। तो ये दो हो गया नी गार्ड्स और ये दो हो गया एल्बो गार्ड्स और ये रिस्ट गार्ड। जब एक्सीडेंट होता है तब हाथ ऐसे गिरता है और यहाँ पे चोट लगता है। अगर ये पहनेंगे तो ये ऐसे गिरेगा और ये वाला प्लास्टिक आपके हाथ को बचा लेगा। तो अभी मैं इसको पहन के दिखाता हूँ। ये हो गया नी गार्ड। ये देखिए, इसके अंदर एक इलास्टिक वाला कपड़ा है और ये वेलक्रो है। तो अभी इसको डालना है नी पे। देखिए, एक ही बार में चला गया है। अभी वेलक्रो को टाइट करना है, तो हो गया एक नी पे। तो दूसरा वाला, ये हो गया दूसरा वाला, इसको मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ। देखिए, एक ही बार में हो गया। तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है देखने में, है कि नहीं? तो अभी बारी है एल्बो का। एल्बो का सेम है, अंदर में एक कपड़ा है, इसको डालना है ऐसे। देखिए, एक ही बार में चला गया। और ये हो गया दूसरे साइड का। देखिए, हो गया। तो अभी बाकी है इसका, रिस्ट गार्ड का। तो इसको भी सिर्फ डालना ही है। देखिए, एक हाथ में हो गया है, अभी दूसरे हाथ का बारी है। तो ये हाथ में भी हो गया। तो अभी देखिए कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से ख़राब नहीं लग रहा है। ये देखिए, नी में है, ये नी में है, ब्लैक पेन के साथ विजिबल नहीं हो रहा है इतना। और ये टी शर्ट, और ये टी शर्ट भी ब्लैक है, तो ये भी विजिबल नहीं हो रहा है एल्बो गार्ड। हाथ का सिर्फ ये विजिबल हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ख़राब नहीं लग रहा है ना? तो आप इसको पहन सकते हैं कहीं भी। तो देखिए, अभी हो गया मैं प्रोटेक्टेड, सिर्फ हेलमेट पहनना बाकी है। अगर आपको डाउट है कि ये पहन के आप एक्सेलेटर, क्लच या ब्रेक दबा पाएंगे कि नहीं, तो देख लीजिए, आप वो कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि राइडिंग गियर तभी पहनना चाहिए जब लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं, नहीं तो यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन जब ऑफिस जाते हैं, नहीं तो बाज़ार जाते हैं, तब लोग कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, घर से निकलते ही हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला चीज़ आपको रखना ही चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इसको पहन के चलाने के लिए बाहर में, तो आप इसको अपने ड्रेस के अंदर भी पहन सकते हैं। तो क्या अभी आपको पता चल रहा है कि मैंने राइडिंग गियर पहना है? यहाँ पे भी मैंने पहना है, यहाँ पे है, और हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा पता चल रहा होगा, यहाँ पे, और सिर्फ ये विजिबल है, बाकी कुछ भी विजिबल नहीं है। देखिए, तो आप ऐसे अंदर पे भी पहन सकते हैं अपने ड्रेस के। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। जो प्लास्टिक है, जो कुशन है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। वैसे जो राइडिंग गियर्स होते हैं उनका दाम बहुत होता है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स, उनका बहुत दाम होता है। लेकिन आप ऐसा वाला प्रोटेक्टिव गियर ले सकते हैं एकदम कम दाम में। तो ऐसे बाइक राइडिंग प्रोटेक्टिव गियर का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1000 रुपीज़ से, और 1000 रुपीज़ से आपको मिल जाएगा 4000-5000 के अंदर। तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप ख़रीद सकते हैं।
तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर काम का लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।